गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर रवि जांगड़ वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएलसी। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि आपका जो डीसीएम टेस्ट सीरीज चल रही है उसका मेजर वन पेपर है और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। उसमें मैं जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पोर्शन लेने वाला हूँ। फिजिकल का जो सॉल्यूशन है वो हमारे टीसी सर आपको करवाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक रिएक्टेंट पी लेबल्ड विद C14 कार्बन इज रीअरेंज टू प्रोडक्ट यू ऑन द हीटिंग। द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट पी इज, मतलब मुझे रिएक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट बना है उसका स्ट्रक्चर मुझे दे रखा है यहाँ पे। और ये जो एस्ट्रिक लगा रखा है, मतलब जो स्टार लगा रखा है, वो एक C14 कार्बन है। और मुझसे ये पूछा गया है कि कौन सा रिएक्टेंट मैं लूँ, जो स्टार्टिंग मटेरियल है मेरा वो मुझे क्या लेना पड़ेगा ताकि मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो देखो भैया, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो रीअरेंजमेंट है इसको देख के हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है। कौन सा रीअरेंजमेंट है? क्लेजन रीअरेंजमेंट है, जो कि हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं। एलाइल विनाइल ईथर ये रीअरेंजमेंट देता है। अगर मेरे पास में ये बेंजीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा रखा है, ये मैंने एक एलाइल फिनाइल ईथर ले रखा है। होता क्या है, जब रीअरेंजमेंट होता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं। तो हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है और ये बनता है, ठीक है। मतलब अपनी पोजीशन से रीअरेंज हो गया और ये वापस एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए वापस से फिनॉल बन जाएगा। मतलब हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है इसमें ये OH यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे मेरे पास डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। वापस से क्या बन जाएगा, जो ईथर था वो एक फिनॉल बन जाएगा। तो देखो, अगर मैं ये वाला जो कार्बन है वो स्टार लेता हूँ यहाँ पे, तो ये कहाँ पे पहुँच गया, ये इस पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे है। इस रिएक्शन को, इस रीअरेंजमेंट को हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे हो रहा है ये एलाइल फिनाइल ईथर में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, वहाँ पे तो मुझे ये OH और एक ऑक्सीजन दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन दे रखा है, दो ऑक्सीजन ये नहीं हो सकता। फोर्थ वाला ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये रीअरेंजमेंट किस में होता है, रीअरेंजमेंट होता है फिनाइल एलाइल ईथर में। ये एलाइल नहीं है, ये विनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन से जस्ट बगल में जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो ये विनाइल ग्रुप हुआ, ठीक है ना। विनाइल ग्रुप पे सब्सिट्यूएंट्स लगे हुए, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ में देखें तो ये नहीं हो सकता। अब मेरे पास में बचे दो ऑप्शन, हम दोनों में रीअरेंजमेंट करके देख लेते हैं कि कौन हमें ये प्रोडक्ट देगा। तो अगर मैं इसमें रीअरेंजमेंट करता हूँ तो देखो बच्चों क्या मिलेगा मुझे, हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये डबल बॉन्ड ले लिया, ये ले रखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किए, इनको इधर ट्रांसफर किया और इनको इधर ट्रांसफर किया। स्टार जो है वो ये वाला कार्बन, इन्होंने स्टार लगा रखा है। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये इधर डबल बॉन्ड है, इधर मेरे पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि कार्बोनिल जो है वो वापस फिनॉल में रीअरेंज हो जाएगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रखा है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं बन रहा मेरे पास में। तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग इसमें और देख लेते हैं, थर्ड वाले में अगर मैं रीअरेंजमेंट करवाऊँ, थर्ड वाले में अगर मैं रीअरेंजमेंट करवाता हूँ तो देखो बच्चों क्या मिलेगा मुझे। वही ये ऑक्सीजन जुड़ रखा है हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करते हैं, इनको इधर शिफ्ट किया और इनको इधर शिफ्ट कर दिया, क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे कार्बोनिल बन जाएगा।
ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये स्टार है मेरे पास। तो देखो ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल है। इसको अगर मैं फाइनली आगे ये जो हाइड्रोजन है इससे वापस एरोमेटिक बना दूं, तो देखो ध्यान से, फिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन पे कौन है, एक कार्बन है जो कि 2 डिग्री कार्बन है, बिल्कुल है, उससे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और एक डबल बॉन्ड इथिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल बन रहा है हमारे पास में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या कहते हैं इस रीअरेंजमेंट को, हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, चलें हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग करना है हमें। ये हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है, इधर कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं हम लोगों को, तो हमें इनकी मैचिंग करनी है। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग इधर हर एक का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, फिर इनको कंपेयर कर लेंगे। तो पहले वाले में मुझे क्या दे रखा है, Fe F6 दे रखा है -4, मतलब Fe मेरे पास में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। ठीक है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल के अंदर, मेरे पास में हो जाएगा ये 3d5 हो जाएगा। और साथ में जो लिगेंड है वो कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है ना, पेयरिंग नहीं हो पाएगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, sp3d2। टोटल 6 है मेरे पास में, 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा और हम लोग आउटर ऑर्बिटल जो है वो काम में लेंगे। नेक्स्ट वन देखो, Ti दे रखा है H2O3Cl3। यहाँ पे टाइटेनियम जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हमारे पास में, यहाँ पे 3d1 कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा 3d1, क्योंकि 3d2 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने निकाल दिए तो 3d1 बच जाएगा। अब तो पूरा डी ऑर्बिटल के 4 ऑर्बिटल, डी सबशेल के 4 ऑर्बिटल खाली पड़े मेरे पास, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब खाली पड़ा है, तो क्या बन जाएगा ये D2SP3 बन गया, D2SP3 बन गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमियम दे रखा है हमें, और क्रोमियम +3 में है, क्रोमियम किस में है मेरे पास, +3 में है, और क्रोमियम अगर +3 में है तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें डी ऑर्बिटल में, 3d5 4s1, ये हो गया मेरे पास में 3d3। ठीक है, 3d बच जाएगा, 3 है, और साथ में NS3 जो है वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वैसे भी खैर 2 खाली ही पड़े थे मेरे पास में, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, कौन सा बन जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2SP3 मेरे पास में बन जाएगा, क्योंकि लिगेंड कितना है, टोटल 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा लेकिन इनर ऑर्बिट वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं FeCl4-2, अब केवल 4 ही लिगेंड है, 4 लिगेंड है तो या तो स्क्वायर प्लेनर बन सकता है या टेट्राहेड्रल बन सकता है। देख लेते हैं हम लोग Fe जो है अगेन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, और अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ वो 3d6 है ना, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बन जाएगा, 3d6 बन जाएगा, और 3d6 अगर बनेगा वीक फील्ड लिगेंड है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। NiCO4, निकल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कितना होगा 3d8 4s2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब डी तो पूरा पूरा भर गया मेरे पास में, भर गया, तो हम लोग क्या बनाएंगे फिर, sp3 बनाएंगे इसको भी, NiCN4-2, यहाँ पे निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, 3d8 हो जाएगा, और 3d8 अगर है साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, एक डी ऑर्बिटल खाली बच जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में, DSP2। तो ये हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकाली। अब देख लो भैया, पहला मुझे दिया है कि DSP2 का कितना है, केवल एक ही है मेरे पास में, 6 नंबर ये रहा। उसके बाद में SP3 के कितने मेरे पास, 4 एंड 5 है,
बिल्कुल 4 और 5 दे रखा है। उसके बाद में sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कौन सा है, केवल फर्स्ट वाला है, फर्स्ट आर का 1 दे रखा है। d2 sp3 कितने मेरे पास, 2 है, 2 और 3 नंबर, बिल्कुल। तो हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, सिंपल सा बस हाइब्रिडाइजेशन पूछा था हम लोगों से, ये Fe+2 3d6 होगा यहाँ पे। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर टू एग्जिबिट इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है हमें, इंटर मॉलिक्यूलर देखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किस तरीके से शो करते हैं हम लोग, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे हम लोग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में H लिख देंगे, इधर O, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये CH3। तो बेटा कौन सी बॉन्डिंग है ये, इंट्रा है कि इंटर है? इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, और इंटर का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पे जो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कर रहे हैं, तो ये इंटर हुआ, और हमसे पूछा भी क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर ही पूछा है। तो बिल्कुल फर्स्ट वाले में एसिटिक एसिड के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेकेंड हमें दे रखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या दे रखा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो कैसी होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, विद इन ए मॉलिक्यूल हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, उसे हम लोग इंट्रा कहते हैं, लेकिन हमसे इंटर पूछा है, मतलब ये वाला नहीं होगा। देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा, यहां पे मेरे पास में OH आ गया, ये मेरे पास NO2 है। अब देखो बेटा यहां पे जो स्पेस है इनके बीच में, मतलब जो स्टीयरिक स्पेस जो है वो बहुत दूर है, स्टेरिकली अप्रोचेबल नहीं है, एक दूसरे के पास में नहीं है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती यहाँ पे, कौन सी होगी, इंटर मॉलिक्यूलर होगी, दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी। तो बिल्कुल ये भी मेरे पास इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इस तरीके से हम लोग H3BO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर होती है, इंट्रा नहीं होती, एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होती, दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है। तो ये भी क्या हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर का एग्जांपल हो गया। तो देख लो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड ऑप्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये आपको TC सर करवाएंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम, ओके ये मुझे एक स्ट्रक्चर दे रखा है, कुछ एक स्कीम दे रखी है, कुछ उसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये दे रखा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस ऑफ ए इज 5, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो मुझे दे रखा है कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, कितना 5 दे रखा है बेटा। ब्रेडीज रिएजेंट के साथ में ये ऑरेंज PPT बना रहा है, ब्रेडीज रिएजेंट के साथ में बना रहा है, तो मतलब कैसा हो गया, ये कार्बोनिल प्रेजेंट है इसके अंदर, 2,4-DNP जो होता है ना उसे ही हम लोग ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं। तो मतलब कार्बोनिल प्रेजेंट है मेरे पास, कार्बोनिल कन्फर्म है, तभी तो ये ऑरेंज PPT दे रहा है। साथ में क्या दे रहा है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ में रेड PPT दे रहा है, किसके साथ में, बेनेडिक्ट। और कौन देता है बेनेडिक्ट के साथ में रेड PPT, एक एल्डिहाइड ग्रुप देता है, कीटोन नहीं देता, एक एल्डिहाइड दे सकता है। कितना है मेरे पास में, सिर्फ एक ऑक्सीजन है, C8H8O है। तो देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, एक तो मैं ये बना सकता हूं कि यहां पे CH3CHO बनाऊं, टोटल 6 कार्बन हो गए, 7, 8 मतलब 6 रिंग के अंदर हो गए, 7 और 8 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन काउंट कर लो, ऑक्सीजन काउंट कर लो, और साथ में इनमें DU की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तो यहाँ पे होगी 4 इसके अंदर, एक ये CHO है तो इसके अंदर 5 हो जाएगी। इसके अलावा एक मैं ऑप्शन बना सकता हूँ CH2CHO, ये दो ऑप्शन मैं बना सकता हूँ। अब देखो बेनेडिक्ट के साथ में रेड PPT दे रहा है,
आप लोगों को पता होगा कि एल्डिहाइड देते हैं रेड पीपीटी, लेकिन बेंजल्डिहाइड जो होता है, बेंजल्डिहाइड वो कभी ये टेस्ट नहीं देता। वो टॉलेंस के साथ में टेस्ट दे देगा, लेकिन फेलिंग और बेनेडिक्ट के साथ में बेंजल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देता। मतलब ये ऑप्शन जो है वो कट हो गया, मेरे पास में सिर्फ ये एक ऑप्शन बचा है जो मैं देखूंगा। इसके साथ में हम लोग देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं भैया। देखो ये तो ठीक है, टेस्ट से हम लोगों को ये पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम लोग ए बी सी का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो मुझे सबसे पहले दे रखा है ये C8H8O, CH2COH, ये मैंने ए का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें एक्सेस में इन्होंने बेसिक मीडियम में Br2 डाल रखा है। तो जब बेस डाल रखे तो बेस का काम क्या होता है? बेस का काम तो एक ही होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। और यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन कहां पे मेरे पास? CH2 के अंदर है। निकालेगा और जो अटैक होगा वो क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो ब्रोमीन पे अटैक करके यहां पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो बना मेरे पास में बेस से क्या बनेगा, मैं साइड में लिख रहा हूं इसको CHCOH, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ब्रोमीन पे अटैक करेगा। ऐसे मैंने एक Br को जोड़ा है एक्सेस में दे रखा है, तो वापस से जो एक बचा हुआ हाइड्रोजन है वो भी निकलेगा बेस से और दो Br मेरे पास में जुड़ जाएंगे। मतलब मेरे पास में जो स्ट्रक्चर बना वो बन जाएगा कार्बन के ऊपर दो ब्रोमीन और यहां पे COH, ठीक है बेटा। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने किसका बनाया, ये B का स्ट्रक्चर बनाया। अब आगे मुझे दे रखा है कंसेंट्रेट NaOH और साथ में एसिडिक कंडीशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी रिएक्शन दे रखी है, ध्यान से देखना इसको आगे। अब अगर मुझे NaOH दे रखा है तो सबसे पहले NaOH क्या काम करेगा, वो इन Br को सब्सटीट्यूट करेगा। किससे करेगा? OH से करेगा, बिल्कुल। और एक कार्बन पे दो OH कभी स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते। तो आप यहां पे क्या बना दोगे, C डबल बॉन्ड O और ये COH, ठीक है। जो हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया है, साइड में बता रहा हूं मैं इसको, ये COH है। यहां पे जो Br था उनको रिप्लेस करके NaOH सबसे पहले क्या बनाएगा, OHOH। और हमें पता है एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते, तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, कार्बोनिल बना दिया। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी भी रिएक्शन क्या होगी, अब ये बनने के बाद में ये जो OH माइनस है ये भैया इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, पता है हम लोगों को, तो एल्डिहाइड पे ही हम लोगों ने रिएक्शन करवाई। ये मेरे पास में बन जाएगा इधर कार्बोनिल, इसके ऊपर O माइनस, ये H और इधर OH बना। अब आगे ये H जो है ये माइग्रेट होके इसके ऊपर अटैक करता है और हम लोग बना देंगे यहां पे इस कार्बन के ऊपर O माइनस, यहां पे H और ये मेरे पास COOH आ गया। अब ज्यादा एसिडिक मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर ट्रांसफर होगा अल्कोहल के ऊपर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो मेरे पास, एसिडिक हाइड्रोजन है और बेसिक कंडीशन में उसके पास हाइड्रोजन हो जाए, ये होगा नहीं। तो ये COH, H और CO, O माइनस बनाऊंगा लेकिन मुझे H प्लस दे रखा है। O माइनस बनाने वाला था, O माइनस Na सॉल्ट बनेगा, लेकिन क्योंकि H प्लस दे रखा है तो मैं यहाँ पे OH लगा देता हूँ। ये मेरे पास में फाइनली C बन गया। और भैया ये जो रिएक्शन है ना, जो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की है, इसे बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, कंपाउंड ए गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बिल्कुल, अगर बेनेडिक्ट दे रहा है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये टेस्ट दे रहा है, तो फेलिंग क्यों नहीं देगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट मेरे पास एकदम करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कंपाउंड ए गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। क्यों भैया, जब फेलिंग दे रहा है, बेनेडिक्ट दे रहा है, तो टॉलरेंस क्यों नहीं देगा? बिल्कुल वो भी देगा, बल्कि वो तो बेंजल्डिहाइड का भी टेस्ट देता है। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास सेकंड वाला क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है।
उसके बाद में सी क्या कह रहा है, कंपाउंड सी हैज ए काइरल कार्बन, ये मेरा सी था, इसमें काइरल कार्बन देखो बीच वाले को OH जुड़ा हुआ है, एच है, बेंजीन है, सी ओ एच है, काइरल कार्बन है, बिल्कुल है। कंपाउंड सी लिबरेट CO2 व्हेन रिएक्टेड विद NaHCO3, टेस्ट हो गया, एसिड का टेस्ट हो गया, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो NaHCO3 के साथ में क्या देता है, CO2 की इफरवेसेंस देता है, तो बिल्कुल है इसके पास में, एसिडिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ में टेस्ट देगा, CO2 का इफरवेसेंस देगा, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी मेरे पास में करेक्ट है। तो भैया ये पूरी मैकेनिज्म समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चले हम लोग आगे, चलो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, मोर देन वन करेक्ट वाले हैं ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट इन परकिन रिएक्शन, पता होगा आप लोगों को परकिन रिएक्शन, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग परकिन रिएक्शन के अंदर ये लेते हैं, नॉर्मल मतलब जो आप लोग पढ़ते हो ना, मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूँ, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आप लोग करवाते हो एनहाइड्राइड के साथ में, नॉर्मली एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हो आप, और साथ में इसका सॉल्ट लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सॉल्ट लेना भी, ठीक है, ये सॉल्ट लिया जाता है और प्रोडक्ट में आप लोग क्या बना देते हो, सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये सी ओ ओ एच, सिनेमिक एसिड कहते हो इसे, क्या कहते हो, सिनेमिक एसिड। तो देखो भैया मेन स्टेप जो है यहाँ पे, ये हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इसमें से एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना, ये अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तभी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी इस एनहाइड्राइड में, ऐसा नहीं है वो डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा ना, उसका काम इतना सा होता है कि इस एनहाइड्राइड में से एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकाले, ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है, इस न्यूक्लियोफाइल का अब हम लोग आगे इसके ऊपर फर्दर अटैक करवाते हैं, फिर आगे जो भी रिएक्शन होगी, तो हमसे प्रोडक्ट नहीं पूछा, हमसे तो सिर्फ इतना सा पूछा है कि यहाँ पे कौन कौन से एनहाइड्राइड जो है वो ये परकिन रिएक्शन या परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकते हैं, तो स्टार्ट करें हम लोग। अब उसके लिए कौन दे सकता है, सिंपल सी बात है कि मेरे पास में यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए जिसे मैं निकाल सकूँ, अगर हाइड्रोजन ही नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो कैसे रिएक्शन देगा, पॉसिबल नहीं है। तो देखो पहला वाला दे सकता है रिएक्शन, बिल्कुल दे सकता है भैया, क्यों, क्योंकि एम ई है, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, सी एस थ्री है, बिल्कुल। नेक्स्ट वाले में इधर तो नहीं है, सी एम ई थ्री हो गया, लेकिन यहाँ तो है, हमें तो किसी भी एक तरफ से निकालना है एसिडिक हाइड्रोजन, तो बिल्कुल यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला ये नहीं दे सकता, ना तो इधर से एसिडिक हाइड्रोजन निकल सकता है, ना ही इधर से निकल सकता है, ये परकिन रिएक्शन नहीं देगा। अगले वाले में उधर तो लगा दिया पीएच, पीएच है तो वापस से अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर तो है, इधर इथाइल है मेरे पास में, सी एस थ्री सी ओ ओ और ये मेरे पास सी ओ पी एच, यही दे रखा है ना, रुको, इथाइल दे रखा है, इथाइल दे रखा है, होगा क्या, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे हम लोग, सी एस थ्री से नहीं निकालते, इसके जस्ट एडजेसेंट से, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे, रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो भैया आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट, ओके, विच इज और आर ट्रू स्टेटमेंट, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, बिल्कुल बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, स्टार्च जो होता है एक पॉलीमर होता है, और किसका होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का होता है, कैसे जुड़े हुए होते हैं, इसमें कौन सा लिंकेज होता है, अगर कोई पूछे तो 1,4 लिंकेज होता है भैया, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट दे रखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है कि स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। अगला क्या कह रहा है, अच्छा स्टार्च जो होता है वो दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक तो अमाइलोज होता है इसमें और एक अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोज स्ट्रेट चेन होती है और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, उसमें ब्रांचेज होती है, बीच बीच में ब्रांचेज होती है, ठीक है, जो अमाइलोज है इट इज लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, सही बात है, लंबी चेन होती है, अनब्रांच होती है अमाइलोज, एंड वाटर सॉल्यूबल, बिल्कुल भैया सही है ये, अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच चेन, ये भी बात तो ठीक ही है, ब्रांच होता है अमाइलोपेक्टिन, एंड वाटर सॉल्यूबल, भैया ये जो है ना यहां पे गड़बड़ है, अमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्यूबल नहीं होता,
ये ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, रॉन्ग हो गया। अगला, सेल्यूलोज इज पॉलीसेक्राइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। बिल्कुल, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का होता है और जो सेल्यूलोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और उसमें भी जो लिंकेज होता है वो हम लोग 1,4 लिंकेज कहते हैं। बिल्कुल, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलें हम लोग आगे। अच्छा, अमाइलोपेक्टिन में कौन सा लिंकेज होता है? अमाइलोपेक्टिन में 1,6 लिंकेज होता है, अमाइलोज में 1,4 लिंकेज होता है। चलो, बायोमॉलिक्यूल पढ़ाई होगा आप लोगों ने, पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोसेस विच इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ऐसा कौन सा है जिसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है? सिंपल सा, हम लोगों को पता है कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते ही हैं, क्या पढ़ते हैं कि हमेशा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को पता ही है, पता है क्या, कि अगर 14 है मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, 14 है, 15 है, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और इधर मैं कम भी कर लेता हूँ, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, यहाँ पे जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 3.0। अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाता है, मतलब अगर 15 है तो कितना हो जाएगा ये, 2.5, 16 है तो कितना हो जाएगा, 2.0, 17 है तो कितना हो जाएगा, 1.5, एंड 18 है तो 1.0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13 है, 13 अगर है तो मेरे पास में ये कितना हो जाएगा, 2.5, 12 है तो कितना हो जाएगा, 2.0, 11 है तो अगेन 1.5, और 10 है तो 1.0। ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पता है, बस यही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। O2 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, O2 के अंदर टोटल 16 होते हैं, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2.0। O2 प्लस बताओ जल्दी से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, O2 प्लस में मेरे पास में 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2.5, कितना, 2.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या किया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज। हमसे क्या पूछा है, इंक्रीज पूछा है। पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सेकंड में आते हैं हम लोग, O2 का अगेन 2.0 अभी भी हम लोगों ने निकाला था, O2 माइनस का 17 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया मेरे पास में, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बढ़ेगी। हमसे भी यही पूछा है इंक्रीज होने का। अगला, O2 माइनस 1.5 होता है, O2 माइनस 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 हो गए, 18 मतलब 1.0। बॉन्ड ऑर्डर भैया फिर से डिक्रीज हुआ, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ा। B2 और B2 माइनस 2, पता है आप लोगों को MOT, बिल्कुल जल्दी से बनाओ। और B2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मेरे पास में, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, पाई बॉन्ड होता है, एक आता है 1 पाई बॉन्ड, MOT के अकॉर्डिंग कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 होगी, और पाई इसलिए कहते हैं क्योंकि 2p जो पाई ऑर्बिटल्स है वो इसमें काम में आते हैं। B2 माइनस 2 कर दिया हम लोगों ने, अब B2 माइनस 2 कर दिया तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, 2.0, ये 1.0। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज, हमसे तो इंक्रीज पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल सा एक लॉजिक लगाना था हम लोगों को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, मतलब जो आइसोमेरिज्म हो रही है इनमें वो सेम टाइप की होनी चाहिए, एक जैसी आइसोमेरिज्म होनी चाहिए। अलग अलग कंपाउंड्स दे रखे हैं, पहला CONH3O5Br और SO4, किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, केवल और केवल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इसमें हो सकता है, सल्फेट मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, वैसे तो खैर फ्लेक्सी होता है बट जनरली मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो उसको मैं Br से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, निकल DMG Hol2, भैया ये तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं दे सकता, तो क्या इनमें सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, नहीं है, क्रॉस करो इसको, ये पॉसिबल नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है मुझे, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2 एंड CoEn Hol2 BrCl। देखो बेटा इसमें देखते हैं हम लोग, सेकंड वाला देखते हैं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका,
क्या पॉसिबिलिटी है कि NH3 और ये NH3 एक तरफ ले लिया, क्लोरीन और क्लोरीन एक तरफ ले लिया, दोनों के बीच में एंगल कितना है अभी 90 डिग्री का, क्या कह देते हैं हम लोग कि ये इसका सिस आइसोमर है। ऐसे ही मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ जिसमें ये दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो मेरे पास में ओपोजिट हो, अमोनिया ओपोजिट हो, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांस कह देते हैं। ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस दे रहा है, मतलब किस टाइप का आइसोमेरिज्म हुआ, जीआई दे रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, CoEn का होल ट्वाइस, BrCl और फिर बाहर क्लोरीन लगा रखा है, कौन सा होगा भैया, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास। एक बार तो मैंने ये EN बाइडेंटेड लिगेंड इस तरीके से बना लिया, यहाँ पे BR लगा दिया और ये CL लगा दिया, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, तो ये क्या बन गया, सिस बन गया मेरे पास। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, अगेन ये CO है, इस बार EN इधर ही बना दिया मैंने, और ये BR इधर, क्लोरीन इधर। यहाँ पे देखो BR और CL एंगल कितने का था, 90 डिग्री का, यहाँ पे BR और CL एंगल कितने का है, 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का, तो ये क्या बोल दूं मैं इसको, ट्रांस कह दूं, ये क्या है मेरे पास में, सिस है। तो ये भी तो GI दे रहा है, बोलो दे रहा है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन मेरे पास में हो सकता है, दोनों सेम टाइप के आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, CONH3 होल 6, CrCN होल 6, ये तो दो कोऑर्डिनेशन पेयर बना रखे मेरे सामने, दो कोऑर्डिनेशन पेयर बना रखे हैं, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, कैसा, कोऑर्डिनेशन। इसमें हो सकता है कोऑर्डिनेशन, नहीं हो सकता, क्रॉस लगाओ। नेक्स्ट आ जाओ, NiEn का होल थ्राइस, पता है आप लोगों को बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तीनों एक जैसे हैं, EN का होल थ्राइस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगला OX, अगेन बाइडेंटेड लिगेंड है, तीन है नंबर में, वापस से क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो भैया सेम कौन सा हुआ, सेकंड वाले में सेम हुआ, फोर्थ वाले में सेम हुआ, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेकंड एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, बिल्कुल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था और सब कवर कर लिया इसमें, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, सब टाइप के देख लिया हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज आर द सीक्वेंस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटर्न अगेंस्ट, मतलब कुछ इस तरीके से हमें सेट दे रखे हैं, उनके आगे कुछ उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, तो हमें ये बताना है कि वो सही ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है कि नहीं है। फर्स्ट वन हम लोग देखें, CO2, SiO2, SNO2 और PbO2, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, आप लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा, बिल्कुल, क्या कहते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट में, कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब अगर मैं पीबी में अगर मैं बात करूं और Pb+4 लिखूं एंड Pb+2 लिखूं, कौन सी वाली ज्यादा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, Pb+2, मतलब Pb4 से वो Pb+2 में जाना पसंद करेगा, मतलब खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, और खुद का रिडक्शन कर रहा है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा कि नहीं करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो देखो भैया पहले वाले में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है हम लोगों को, CO2, SiO2, SNO2, PbO2, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रही है और इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो खुद का रिडक्शन करना चाहेंगे, यहाँ पे हर एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है मुझे। अगला HF, HCl, HBr, HI, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, पता ही आप लोगों को H और I के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, एकदम वीक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आयोडीन इतना बड़ा साइज, हाइड्रोजन छोटा सा, दोस्ती हमेशा बराबर वालों के बीच में होती है, ठीक है ना, वही स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे स्टेबल जो बॉन्डिंग है वो किसके बीच में, HF के बीच में, HI क्या है, इतनी स्टेबल बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी, क्योंकि आयोडीन बड़ा साइज है, हाइड्रोजन छोटा साइज है, ओवरलैपिंग ही अच्छी नहीं होगी, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, एसिड होगा,
ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो मतलब सेकंड ऑप्शन भी मुझे करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग NH3, PH3, ASH3, SBH3 इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। नहीं भैया गलत है ये, क्योंकि हम लोग 15 ग्रुप के अगर हाइड्राइड्स को देखें तो वहाँ पे NH3 जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद में डिक्रीज होती जाती है ऑर्डर जो है वो बेसिसिटी का क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है, उसके पास में कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकियों के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो अपना लॉन पेयर इतना इजीली डोनेट नहीं करते। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, मतलब ये जो है थर्ड ऑप्शन मुझे गलत दे रखा है, यहाँ पे ये सही नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है ये, BCON इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे देखते हो आप लोग इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखते हो? तो यहाँ पे बोरोन का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बोरोन जो है वो क्या होगा P1, कार्बन क्या होगा P2, ऑक्सीजन क्या होगा मेरे पास में P4, और नाइट्रोजन क्या होता है P3। अब हम लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन जो होगी इन सब में अगर मैं कंपेयर करूँ तो P3 की होगी, क्यों, हाफ फील्ड है भैया, ठीक है ना। उसके बाद में किसको देखते हैं हम लोग, P3 के बाद में P4 का नंबर आता है। अच्छा वैसे इससे पहले अगर हमारे पास में देखें तो हम लोग P5 लेते हैं, इससे भी पहले देखें तो P6 मतलब इनर्ट गैस को लेते हैं, उसके बाद में P5, फिर P4 नहीं आता, P3 लेते हैं, उसके बाद में हम लोग P4 को लेते हैं, क्योंकि P3 ड्यू टू हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसके बाद में हम लोग नंबर लेते हैं P2 का, और P2 के बाद में किसका नंबर लेते हैं, S2 पहले आता है, S2 देन P1 आता है, देन S1 को देखते हैं हम लोग, ये ऑर्डर चलता है। तो देखो P3 सबसे ज़्यादा बिल्कुल दे रखा है, उसके बाद में P4 दे रखा है, देन P2 दे रखा है, देन P1 दे रखा है, मतलब ये भी मेरे पास में क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। वो भले ही यहाँ पे जो है हमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे, अगर मुझे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स देते तो भी मैं इसी सीक्वेंस से देखता। चलें आगे, क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपको TC सर करवाएंगे, ये भी TC सर करवाएंगे, नेक्स्ट आ जाओ। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हैं, pH, CO, COPH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पहले तो हम लोग बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं कि क्या बनेगा। अगर हम लोगों को ये, इसको हम लोग देखें तो ये मेरे पास में है pH, CO, COPH। इसका मुझे क्या करवाना है, इसका मुझे रिडक्शन करवाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। रिडक्शन करवाएंगे तो pH बना, यहाँ पे कार्बन के ऊपर OH बनेगा, ये H, ये OH बनेगा, ये H हो गया, और ये pH है, ये बना। काइरल सेंटर है इसमें, बिल्कुल है। कितने इसके स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट कितने बनाएगा, देखो भैया आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, यहाँ पे इसमें क्या लग रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है इस मॉलिक्यूल के अंदर, और दो काइरल सेंटर है तो कितने बनेंगे, टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। कितने, 3 स्टीरियो आइसोमर इसमें पॉसिबल है, और उनमें से भी अगर पूछ ले कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो एक तो बनेगा मीजो, ठीक है, और दो बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव जो 3O होते हैं वैसे। तो बात समझ में आ गई, हमसे तो खैर इतना ही पूछा है कि कितने बनेंगे, 3 बनेंगे भैया, और मान लो ये पूछ लेता कितने ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है इसमें, तो क्या बोलते, 2। मीजो कितना बन रहा है, 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये रिएक्शन करवा रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स इन द अबव रिएक्शन। देखते हैं भैया, देखो अगर आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो यहाँ पे, तो हम लोग एक प्रोडक्ट जो है वो तो ये बना सकते हैं कि मैं केवल CH2 और CH2 वालों को अटैच कर दूं, क्योंकि हमसे तो पॉसिबिलिटी पूछी है ना, तो पॉसिबल तो हो सकता है, ये पॉसिबल है मेरे पास, और आगे ब्रोमीन ब्रोमीन को भी खैर हम लोग जोड़ सकते हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाए, इसके साथ में ये बेंजीन बन गया, अटैच हो गया, एक तो ये बन सकता है, ठीक है।
यहाँ पे जो कौन सी रिएक्शन करवाई है मैंने, वुड्स रिएक्शन करवाई है, और नीचे कौन सी रिएक्शन करवाई है, फिटिग रिएक्शन करवाई है। पता होगा आप लोगों को, जब एरोमेटिक होता है तो उसे फिटिग रिएक्शन कहते हैं, नॉर्मली अगर ये है तो हम लोग उसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। एक तो ये बनाया मैंने, दूसरा जैसे दे रखा है मैं उनको वैसे ही जोड़ दूं, यहां पे CH2, यहां पे CH2, इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। यहां पे कौन सी रिएक्शन हुई है, ऊपर वुड्स फिटिग रिएक्शन हुई है, ये वुड्स और ये फिटिग, नीचे भी वुड्स फिटिग रिएक्शन हुई है। तो टोटल कितने पॉसिबल बने मेरे पास, दो प्रोडक्ट पॉसिबल बने, यही पूछा है हमसे, इससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं है भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 02। कितने पॉसिबल बन रहा है, दो पॉसिबल बन रहा है, वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल था, एक वो प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें, अमंग PBS, CuS, HgS, मतलब ये कुछ सल्फाइड्स दे रखे हैं मुझे, और पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर सल्फाइड। देखो भैया वैसे तो सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ते हैं कि मोस्टली जो सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड उनका हमेशा कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है ना, साफ साफ ये लाइन है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन, अब इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में तो एक्सेप्शन होते ही है, तो कुछ एक्सेप्शन हैं उनमें। अगर एक्सेप्शन की बात करूं मैं, तो एक तो मेरे पास में MnS जो होता है, कौन सा MnS, पिंक कलर का होता है भैया, पिंक कलर का सल्फाइड होता है। एक मेरे पास में ZnS होता है, वाइट कलर का होता है। CdS होता है, येलो कलर का होता है। एक अपने पास में जो Bi2S3 होता है, बिल्कुल ये ब्राउनिश, इसमें थोड़ा सा पंगा है, अभी समझाऊंगा, ब्राउनिश ब्लैक, वैसे ब्राउनिश भी बोल देते हैं। एक SnS2 जो होता है, SnS2 ये येलो कलर का होता है। इसके अलावा AS2S3 होता है, ठीक है, ये मेरे पास में येलो हो गया, AS2S3। ये जो AS2S3 होता है हमारे पास में, ये लाइट येलो कलर का होता है। कैसा होता है, लाइट येलो। इसके अलावा एक SB2S3 एंटीमनी वाला, ये ऑरेंज कलर का होता है। तो मतलब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं अपने पास में सल्फाइड्स के लिए, जिनमें हम लोग जनरली तो यही पढ़ते हैं कि केवल एक सल्फाइड, लेकिन जब हम लोग ग्रुप टेस्ट वगैरह करते हैं तो इसमें आता है। और ये एडवांस का पेपर है भैया, और ये एडवांस में सॉल्ट एनालिसिस एडवांस का टॉपिक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये डाला है क्वेश्चन जानबूझ के, अच्छा क्वेश्चन है। इनको छोड़कर बाकी जो भी सल्फाइड होंगे वो कैसे होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। एक चीज और ध्यान देना, ये इसके अंदर अगर इसका सल्फाइड पूछा है, केवल सल्फाइड का जो कलर होता है वो ब्राउनिश होता है। कैसा होता है, ब्राउनिश। लेकिन जब इनका PPT बनता है, ठीक है, इनका प्रेसिपिटेट अगर बना दिया जाए, अवक्षेप अगर बना दिया जाए, उनको सेपरेट कर दिया जाए, तो वो ब्लैक कलर का होता है। इसका जो PPT होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन सल्फाइड का कलर जो होता है केवल, वो ब्राउनिश होता है। तो हमसे तो केवल ब्लैक पूछा है भैया, ठीक है ना, और सल्फाइड बोला है वो भी, PPT नहीं बोला इनका। PBS ब्लैक कलर का होगा, देख लेते हैं कितने ब्लैक कलर का होगा। CuS ब्लैक कलर का होगा, HgS ब्लैक कलर का होगा, MnS नहीं होगा, पिंक कलर का होता है। Ag2S वापस ब्लैक कलर होगा, NiS ब्लैक होगा, SOS ब्लैक होगा, Bi2S3 नहीं होगा, Bi2S3 ब्राउनिश होता है, SnS2 नहीं होगा, येलो होता है। तो कितने ब्लैक कलर के हो गए मेरे पास में, 6 हो गए। आंसर क्या हो जाएगा, 06। अगली बात समझ में, ये जरूर लिख लेना जो सल्फाइड के एक्सेप्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये सब TC से करवाएंगे, ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम TC गुप्ता, टीम केमिस्ट्री, टीम CLC। तो हम DCM
मेजर सॉल्यूशन फॉर जेई कंटिन्यू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पेपर वन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर से। क्वेश्चन नंबर फोर है ए वेसल इज फिल्ड विद ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। O2 है और N2 गैस है। एट व्हाट रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर द टू गैसेस विल हैव द सेम मास, यानी इट मीन्स दोनों का वेट हमने सेम लिया है, ठीक है। तो अगर वेट सेम है तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा। पात्र में O2 एवं N2 का मिश्रण है, उनके आंशिक दाब के किस अनुपात पर दोनों गैसों का द्रव्यमान समान होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का द्रव्यमान समान मान के उनके आंशिक दाब का अनुपात समान ले लेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन से PV हम बात करें, PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस होगी। यहाँ पे टेम्परेचर सेम है और एक ही कंटेनर में है तो P प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस। या हम देखें पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, PI इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। अब पूरे कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो दोनों के लिए सेम होगा, टोटल मोल दोनों के लिए सेम। रेशियो निकालेंगे तो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर रहा है, मोल्स पे। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ O2 की बात कर लें एंड मोल्स ऑफ N2 की बात कर लेते हैं। दोनों का वेट इन ग्राम क्या मान लेते हैं, W मान लेते हैं। तो वेट इन ग्राम W है तो मोल कितने होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है O2 का, 32। रेशियो वेट इन ग्राम W दोनों का सेम है, N2 का मोलर मास क्या होगा, 28। अब ऑप्शन नंबर वन है प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू 0.78 प्रेशर ऑफ N2। इट मीन्स एक काम करते हैं, प्रेशर ऑफ O2 और प्रेशर ऑफ N2 का रेशो निकालते हैं। तो प्रेशर ऑफ O2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, ये मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, W अपॉन 32 अपॉन W अपॉन प्रेशर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या होंगे, वेट अपॉन 28 क्या होगा, W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कर लें इसको तो 7/8 आ जाएगा। और 7/8 बोल दे कितना हो गया, 0.8, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ O2 और प्रेशर ऑफ N2 का जो रेशियो है वो 0.1 होना चाहिए, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, सेकंड 0.8 आ रहा है, ठीक है। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर ये दोनों भी चेक करना चाहें तो प्रेशर ऑफ O2 और N2 का रेशियो में, यानी O2 और यहाँ 11.4 है और यहाँ 8.75, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्लियर। तो आंसर क्या जाएगा अपना, सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखो एनर्जी लेवल्स ABC ऑफ ए सर्टेन एटम कॉरेस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी, EA < EB < EC मीन्स एनर्जी गैप है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल नीचे आ रहा तो कम है, बी की एनर्जी ज़्यादा है, सी की एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। इफ λ1, λ2, λ3 आर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन ऑफ C2B, भाई C2B का λ1 है, ठीक है, B2 A का λ2 है और C2 A का λ3 है। अब क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी आपको λ1, λ2, λ3 में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर हिंदी में बात करें तो किसी परमाणु के ABC ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, A की ऊर्जा कम है, B की ज़्यादा है, C की अधिकतम है, C से B, B से A, C से B, B से A और C से A में संक्रमण λ1, λ2 और ये क्या 3 है। तो देखो सिंपल जी बात है, एनर्जी कंजर्व वाला रूल लगा देते हैं हम। इट मीन्स क्या होगा कि सी से ए की जो एनर्जी है, सी से ए की एनर्जी जो होगी ट्रांजिशन की सी टू ए की, वो क्या होगी, सी टू बी की एनर्जी प्लस
बी टू सी की एनर्जी होगा, ठीक है। अब एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू प्लैंक के रूल से एच सी अपॉन लैम्डा। तो हम सी टू ए की बात कर लें तो एच सी अपॉन लैम्डा क्या आएगा, सी टू ए के लिए लैम्डा क्या आएगा, थ्री आएगा, क्लियर। इक्वल टू क्या होगा, एच सी अपॉन सी टू बी के लिए लैम्डा वन है, प्लस एच सी अपॉन लैम्डा टू आ जाएगा। एच सी से एच सी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब वन अपॉन लैम्डा थ्री इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन लैम्डा वन प्लस वन अपॉन लैम्डा टू। ठीक है, एलसीएम दे लेते हम, तो वन अपॉन लैम्डा थ्री इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन लैम्डा टू। तो इसमें क्या करना है, लैम्डा थ्री आपको कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन देखो आपको, लैम्डा थ्री यहां से क्या आएगा, इन्वर्स कर दें इसको, लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। तो ऐसा फर्स्ट आप क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बाकी भी क्या है, इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा बेटा, लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, यानी सिंपल हमने क्या लगा दिया, एनर्जी इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए के दो क्वेश्चन थे जिसमें सिंगल चॉइस थे। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, बात करेंगे सेक्शन में मोर देन वन करेक्ट है। अब इसमें बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, सॉल्यूशन क्या गिवन है ध्यान दे, 25 ml H2O2 सॉल्यूशन एक्सेस एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ Ki वाज एडेड, यानी H2O2 रिएक्ट करता है किससे, Ki से, क्लियर। द आयोडीन लिब्रेटेड, इससे क्या बनेगी, आयोडीन फॉर्म होगी, क्लियर। रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.3 N सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, यानी I2 जो है ये अगेन रिएक्ट करती है किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, क्लियर। यूज दीज रेटू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, 25 ml H2O2 विलयन में अधिक के Ki ये एक्सेस में है, मिलाया गया मुक्त होने वाली आयोडीन को अनुमापन, यानी इसको हम क्या करना है, टाइटेशन करना है, 0.3 सोडियम थायोसल्फेट के 20 ml की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आपको देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इट मीन्स पहला ऑप्शन की बात करें तो H2O2 का वेट पूछ रहा है, सेकेंड में H2O2 की मोलरता मोलरिटी के बारे में पूछ रहा है। तो अल्टीमेटली देखो क्या करना होता है, टाइटेशन में क्या होता है भाई, सिंपल जी कोई भी रिएक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सभी क्रियाकारक एवं उत्पाद के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो हमें क्या करना है, एक तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन में देख के तो H2O2 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, फिर अमाउंट आपके पास H2O2 का, दूसरा सोडियम थायोसल्फेट का है, तो इनमें सबके चारों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, क्लियर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के तीन फॉर्मूला अपने पास, नंबर वन क्या है, मोल नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, और रिडॉक्स में वैलेंस फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ओएन पर मोलिक्यूल। सेकेंड क्या है, डब्ल्यू अपॉन ई वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। थर्ड क्या है, एन इंटू वी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अब जिस फॉर्म में आपको अमाउंट दिया उसमें हम यूज कर सकते हैं तीनों में से। तो H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी में पूछ रहे हैं, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, N इंटू वी, वॉल्यूम कितना लें 25, ध्यान देना ml भी ले रहे हैं, अगर सामने देखते हैं क्या दिया हुआ, अगर ml वॉल्यूम है तो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज इसको लिटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करें,
आगे देखो क्या दिया हुआ है इसमें, 20 ml सोडियम थायोसल्फेट इसके लिए क्या है रिक्वायर्ड है। तो यहाँ तो सिंपल क्या दे रखी है, नॉर्मलिटी क्या गिवन है, नॉर्मलिटी। तो एन टी वी लगा दे यहाँ पे, तो क्या होगा कितनी है नॉर्मलिटी, 0.3। वॉल्यूम कितना है 20। अब देखो यहाँ भी वॉल्यूम ml में है, यहाँ भी ml में, तो यूनिट यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ से अगर बात करें तो नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.3 इंटू 20/25, क्लियर। इसको सोल्व कर ले हम, तो 0.3 इंटू 4 से कर ले इसको, तो 4/5 यानी 1.2/5, यानी फाइनल आपका आंसर क्या हो गया, 0.24। नहीं, नॉर्मलिटी आपकी आई 0.24। ऑप्शन देखो, आप वेट पूछ रहा है, सेकंड में क्या पूछ रहा है मोलरिटी पूछ रहा है, थर्ड में आपसे फिर वेट पूछ रहा है, फोर्थ में वॉल्यूम स्ट्रेन पूछ रहा है। तो हमें पता है नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, और H2O2 का वैलेंस फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से अगर हम मोलरिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंस फैक्टर हो जाएगा, और n की वैल्यू अपने पास है 0.24 और vf क्या होता है 2, तो मोलरिटी आ गई 0.12। तो आप चेक करो, आप मोलरिटी कितनी है 0.12, तो सेकंड ऑप्शन में बात कर रहा है इसकी, इट मीन्स आपका सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। और चेक करते हैं 25 ml में 0.102 ग्राम प्रेजेंट है, इसको कैसे चेक करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, मोलरिटी की वैल्यू अपने पास है, और थर्ड ऑप्शन में आपको 1 लीटर वेट चेक करना है, और फोर्थ में वॉल्यूम स्ट्रेंथ चेक करनी है आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम भी करते हैं कैलकुलेट, क्या कैसे आएगा, तो हमें पता है नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, यह इसमें वॉल्यूम नॉर्मलिटी इंटू 5.6 आ जाएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, n इंटू 5.6, n कितना है, नॉर्मलिटी की वैल्यू है यहाँ पे कितनी, 0.24, तो 5.6। अब ध्यान देना बेटा, 0.24 को अप्रॉक्सीमेट 0.25 करके 1/4 कर देता हूँ मैं, ताकि हम कैलकुलेशन के इजी हो जाए थोड़ा, तो 1.4 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो 1.34 है, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ भी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मेरे क्यों आई, क्योंकि मैंने क्या मान लिया इसको, 0.25 ले लिया, क्या ले लिया मैंने इसको, 0.25। तो अगर 0.25 ज़्यादा ले लिया ना मैंने, तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है, उससे थोड़ा कम हो गया। अब हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड फोर करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड को और हमें चेक करना है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल से वेट इन ग्राम, तो मोलरिटी अपने पास है, मोलरिटी की वैल्यू कितनी है, 0.12 है। तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो फर्स्ट हमें चेक करना है 25 ml में, सेकंड चेक करना है 1 लीटर में, तो 25 में चेक कर ले पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 25 ml के लिए 25 और लीटर में लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपके मोल आ गए 0.12 इंटू 25 इंटू 10^-3, ठीक है बेटा। अभी नंबर ऑफ मोल आ गए, और हमें क्या करना पड़ेगा, वेट इन ग्राम के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होता है H2O2 का मोलर मास, H का 1+1 2, O2 का 32, 32+2 कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। तो हम एक काम करें, इसको पॉइंट को यहाँ से लगा हटा के यहाँ 0.25 कर लेने की बात है, और 0.25 का मीनिंग क्या होता है, 1/4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो कितना हो गया ये 4, 8 पॉइंट समथिंग हो गया, 8.5।
अब अपने पास डेटा है 12, इसको 12 से करना है और 10^-3 से भी करना है साथ में, ठीक है? तो 12 से कर लें, 102 आएगा, यानी पॉइंट और माइनस करके 0.102, और यहाँ कितना दिया हुआ है 0.102 ग्राम दिया हुआ है, यानी आपका फर्स्ट भी करेक्ट है। अब आपको चेक करना है कौन सा, 1 लीटर वाला, ठीक है? तो 1 लीटर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या कर दें, जो मोल्स है यहाँ वॉल्यूम चेंज होगा ना, तो मैं केवल यहाँ वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ, वॉल्यूम यहाँ कर दूंगा 1, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.12। और वेट इन ग्राम के लिए क्या करेंगे, अगेन मोलर मास से, मोलर मास कितना होता है 34, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, इसको अगर 0.1 माने तो 3.4 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए, 0.8 है, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इनकरेक्ट है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 4 इसका करेक्ट होगा, क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या है, इक्विलिब्रियम बिटवीन गैसियस आइसोमर्स ए बी सी कैन बी रिप्रेजेंटेड, ए टू बी है, के वन है, बी टू सी, के टू है, सी टू ए, के थ्री है। इन 1 मोल ऑफ ए इज टेकन इन ए क्लोज वेसल, 1 मोल है, ए का मोल 1 है और वॉल्यूम भी 1 है, यानी हम कह सकते हैं मोलारिटी जो है ए की क्या है, 1 है, कंसंट्रेशन क्या है, 1 है, ठीक है? आगे चलें और क्या कह रहा है, अगर हिंदी में बात करें तो गैसीय समावेशी ए बी सी के मध्य साम्य स्थापित हो गया है, ठीक है? यदि 1 लीटर आयतन के बंद पात्र में ए का 1 मोल है, ठीक है? तो ए का मोल भी 1 है, आयतन भी 1 लीटर, तो मोलरता क्या हो गई, यानी ए की सांद्रता हो गई कितनी, 1 हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है? अब देखो ये 3 साम्य एक साथ स्थापित है, इसको बोलते हैं हम समक्षणिक साम्य या युगपत साम्य, और इसमें जो उभयनिष्ठ होगा, जैसे उभयनिष्ठ नहीं जो दोनों में आ रहा है, उसकी सांद्रता क्या होती है, समान होती है। अगर इंग्लिश में बात करो तो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसमें जो कॉमन सफिशियंट होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है? तो ए को स्टार्ट किया गया 1 से, तो देखो इसमें करना क्या है, ऑप्शन देखें कि पूछना क्या चाह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 1m एट एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। अगर स्टार्टिंग में ए का 1m ही लिया है तो स्टोइकियोमेट्री से बात करें तो 1 से ये मैक्सिमम 1 बन सकता है, इससे ये बन सकता है, बी से अगेन ए ही बनता है, ठीक है? फिर भी उसको और हम चेक कर लेंगे, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम, ठीक है? ए टू बी अगर 1 में से टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है, 1 है इसका 0 है, एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे 1 में से x डिसोसिएट होगा तो b का भी कितना बनेगा, x ही बनेगा, ठीक है, क्लियर? सेकंड में हो रहा है बी टू सी, क्लियर? अब यहां x में से मान लो y क्या होती है, कंसंट्रेशन डिसोसिएट होती है, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, जो कॉमन सब्सटेंस होता है उभयनिष्ठ अवयव होता है उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, अब y से c y बनेगा, क्लियर? अगेन देखो c से क्या बन रहा है, अगेन a बन रहा है ना, तो हमें मानते हैं कि y है c, y में से z क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो ए भी कितना बनेगा, z ही बनेगा, यानी y c की जो कंसंट्रेशन क्या जाएगी, y माइनस z, और a की 1 माइनस x वहाँ से है तो 1 माइनस x, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस z हम ऐड कर देंगे, क्लियर बेटा? जो कॉमन है उसकी मैंने सबकी में क्या कर दी, इक्वल कर दी, ठीक? अब देखो a प्लस बी प्लस सी को ऐड कर लें, रैंडमली वैल्यू लिए हमने, x y z कुछ भी हो सकता है, तो a है अपने पास क्या, 1 माइनस x प्लस z, 1 माइनस एक्स प्लस जेड, यह है ए की कंसंट्रेशन, ठीक है? बी की है प्लस एक्स माइनस वाई, और सी की कितनी है, वाई माइनस जेड है, तो प्लस वाई माइनस जेड, तो देखो
माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, वन ही रहेगा। ठीक है, तो हमने प्रूव कर लिया है कि ऑप्शन नंबर वन क्या है आपका करेक्ट है। और बिना अगर कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में वन ले रहे हो वापस ए से ही बन रहा है तो वन से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं ना, तो आपका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू की बात करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी इज 4.1 m एट द अटेनमेंट इक्विलिब्रियम ऑल द रिएक्शन। सी की देखो वन से ज़्यादा कभी पॉसिबल ही नहीं है किसी भी रिएक्टेंट की या इसमें सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वन से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं। तो 4.1 पॉसिबल नहीं, तो सेकेंड क्या हो गया आपका इनकरेक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में वन ही लिया ना, वन में से कुछ जाएगा एक्स, एक्स में से फिर और कम जाएगा तब बनेगा ना सी, तो पॉसिबल है क्या वन मोर देन वन, बिल्कुल नहीं है। द वैल्यू ऑफ के वन, के वन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि के वन की वैल्यू क्या आएगी, तो एक काम करते हैं हम के वन की वैल्यू के लिए सेकेंड और थर्ड यूज कर लें क्या। ठीक है, तो वो यहाँ तक फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन थ्री के लिए एक बार स्पेस के लिए, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब तक हमने क्या कर लिया, फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट क्या है हमारा करेक्ट है, सेकंड क्या है सॉरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड हमें चेक करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें, तो रिएक्शन को ऐड करने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इनको ऐड करो तो क्या होगा, देखो सी से सी कैंसिल होगा, तो बी टू ए का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 0.4 इंटू 0.6, कितना हो गया ये 0.24। अब देखो जो फर्स्ट रिएक्शन है ए टू बी और ये क्या है बी टू ए, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन ये है, तो अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो के की जगह क्या होता है 1/ के रिवर्स में जाएगा, तो आपका 1/0.24 आंसर होगा। इट मीन्स ये क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ के वन इज 0.1/0.24, तो आपका ये भी करेक्ट है। ठीक है, इन्हें का फाइनल आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्या हो गया बेटा करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। आपका जो सेक्शन डी है उसमें है इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो फिजिकल के लिए मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं इसको। देखो फॉस्फीन डीकम्पोज इनटू प्रोड्यूस वेपर ऑफ फॉस्फोरस एंड H2 गैस। ठीक है, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम इन ml व्हेन 100 ml ऑफ फॉस्फीन इज डीकम्पोज। फॉस्फीन है, इसके विघटन से फॉस्फोरस की वाष्प और H2 गैस बनती है। जब 100 ml फॉस्फीन लेते हैं तो आयतन में कितना परिवर्तन, मैंने सिंपल आपका मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन लिया गया है स्टोइकियोमेट्री से। ठीक है, तो रिएक्शन क्या लिखें, PH3 गैस डीकम्पोज इनटू फॉस्फोरस की वेपर यानी P4 गैस में डीकम्पोज होगा प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होगी। बैलेंस कर लें इसको, P4 है तो यहाँ पे 4 मोल आपको स्टोइकियो 4 लेने पड़ेंगे, H कितने होंगे 12, तो यहाँ 6 हो जाएगा। क्लियर बेटा, अब टी इक्वल टू जीरो पर क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो पर 100 ml वॉल्यूम आपके पास है। ठीक है, तो सिंपल सी देखो गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और गैस के लिए क्या होता है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, और PV इक्वल टू nRT, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया नंबर ऑफ मोल, यानी मोल की जगह वॉल्यूम डायरेक्टली कैलकुलेशन में ले सकते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो इनिशियल में ये जीरो है, ये जीरो है। ठीक है, अब अगर ये 100 ml दो, यहाँ दो, इसके 4 मोल से P4 का कितना बनता है 1 बनता है, बनता कि नहीं बनता, तो 1 से कितना बनेगा बेटा 1/4, तो 100 से इंटू 100 कर दें
तो ये आ गया 25 mm, यानी आपका 25 तो बनेगा P4। क्लियर? सेम H2 निकालें, H2 के लिए क्या होगा, 4 मोल से बनते हैं 6 मोल, इसके 4 से क्या बनते हैं बेटा 6 बनते हैं। क्लियर? तो 1 से कितने मोल बनेंगे 6/4, तो 100 से कितने बनेंगे बेटा 3/2 × 100, 150 ml H2 गैस बनेगी। इट मींस फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो 25 ml तो P4 गैस, 150 ml H2 गैस, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया अब 125 है, 125 + 150 = 175। अब ये क्या पूछ रहा है, आयतन में कितना परिवर्तन होगा, वॉट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज कितना है, देखो 175 है और पहले 100 था, कितना का चेंज हुआ 75 का, तो आंसर क्या जाएगा आपका 75 ml। क्लियर बेटा, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर दें हम। गिवन डेट निकल का SRP नेगेटिव है, +2 से 0 में जा रहा है, कॉपर का भी SRP है +0.34 है, Ag+Ag का है, जिंक का, यानी चारों वैल्यू SRP है। SR बोल दो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव। SRP क्यों है, क्योंकि यहाँ +2 से 0 ON में डिक्रीमेंट यानी रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स ये सिंबल किसका है, SRP का है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विल नॉट टेक प्लेस इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। निम्न में से कितनी अभिक्रियाएं मानक स्थितियों में दी गई दिशा में पूर्ण नहीं होती है। तो देखो ये सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी है, ECS से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ECS के अकॉर्डिंग क्या होता है, टॉप टू बॉटम SRP की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो अपन इसको ECS के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो ऊपर क्या होगा, SRP सबसे कम आएगा, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, जिंक की है, तो ऊपर आएगा जिंक। ऊपर क्या आएगा बेटा, जिंक आएगा। तो जिंक के अकॉर्डिंग जिंक हो गया। उसके बाद क्या है बेटा, -0.25 किसकी वैल्यू है, निकल की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद Ag है और कॉपर है, तो Ag और कॉपर में कम किसका है, कॉपर का है, तो कॉपर आ जाएगा। और फिर क्या होगा, कॉपर के बाद क्या आएगा, Ag। क्लियर बेटा? अब ECS का एक फंडा है कि ECS में जो ऊपर वाली होती है, जिनका SRP नेगेटिव होता है, ठीक है, देख रहे हैं, तो जिनका नेगेटिव है और निकल का नेगेटिव है, बाकी दो का पॉजिटिव है, और इनके बीच में H भी आता है, H का क्या होता है, 0 volt होता है SRP। तो ECS में ऊपर वाले का ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन। ऊपर वाली मेटल का ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और नीचे वाले का ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर? तो हमें सिंपल था ये चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो नंबर वन, देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल का क्या हो रहा है, +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो निकल का हो रहा है रिडक्शन। कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो देखो मैंने क्या बोला, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, नीचे वाले का रिडक्शन होना चाहिए, तो इट मीन्स फर्स्ट आपकी पॉसिबल नहीं है। क्लियर बेटा? ये पूछ रहा है कि कौन सी पूर्ण नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो फर्स्ट नहीं होगी। सेकंड देखें, तो सेकंड की बात करें तो कॉपर और Ag की बात करें, तो कॉपर का 0 से क्या हो रहा है, +2, और ON में इंक्रीमेंट यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, लिखना है इसके आगे ऑक्सीडेशन। Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन, नीचे वाला का रिडक्शन, ये तो पॉसिबल है, ठीक है, तो ये मैं काउंट करना ही नहीं है, इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि इम्पॉसिबल लिखना। थर्ड में है बेटा, कॉपर का 0 से +2, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और साथ में इसके क्या है, H का +1 से 0 क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट इन ON, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो देखो आप
मामला उल्टा हो गया, ऊपर वाले का रिडक्शन नीचे वाले का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपकी पॉसिबल नहीं है, इसको काउंट करना है। क्लियर। नेक्स्ट है जिंक और एच। तो जिंक की बात करें तो जिंक का इसमें क्या हो रहा है, जीरो से प्लस टू क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एच का क्या हो रहा है, प्लस वन से जीरो रिडक्शन। तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन नीचे वाले का रिडक्शन, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल है, इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर बेटा। तब आंसर क्या आएगा इसमें, कौन सी दो रिएक्शन पॉसिबल हैं और दो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। या हम ये कह सकते हैं, इसको स्टेसिफ कर सकते हैं कि ECS में क्या होता है, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को क्या करती है, रिप्लेस करती है। ऊपर वाली मेटल क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। तो ये कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। और अगर बाकी सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाले का ऑलवेज ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का ऑलवेज रिडक्शन, ऐसा है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो इसी के साथ आपका पेपर वन का मेजर का सॉल्यूशन फिनिश होता है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय सी एल सी।